नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। वापस महानगरों से अपने घरों की ओर लौट रहे मजदूरों के लिए यूं तो केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत सभी को काम के निर्देश दिए हैं और ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम मजदूरों से लिया जाए, लेकिन आज भी कई पंचायतें ऐसी हैं जो कि इन सभी आदेशों को दरकिनार करते हुए जेसीबी के माध्यम से मनरेगा के कार्य करा रही हैं। पन्ना जिले में जनपद सदस्य ने ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और जिम्मेदार अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर जेसीबी से कार्य कराया जा रहा है जो कि मजदूरों के हक पर डाका है। एक और जहां कोरोना से पूरा देश संघर्ष से जूझ रहा है, महानगरों से मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं, जिस पर मजदूरों की जीविका का ध्यान रखते हुए उनकी रोजी रोटी के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गाँव में रोजगार के लिए मनरेगा के कार्य शुरू कराए गए हैं, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में ये काम मजदूरों की जगह मशीनों से करवाया जा रहा है। सिर्फ कागजों में फर्जी नामों के सहारे मजदूरों के मस्टर रोल भरकर खाना पूर्ति की जा रही है। जनपद सदस्य पुष्पेंद्र त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि तालाब के निर्माण में जेसीबी का उपयोग किए जाने से मजदूरों का रोजगार छिन गया है। ग्राम पंचायत के सभी निर्माण कार्यों में सचिव, रोजगार सहायक सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से मजदूरों की जगह मशीनों से कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसकी लिखित शिकायत जनपद गुनौर व तहसील गुनौर में कर दी गई है। वहीं इस मामले में जब सचिव राजकुमार शर्मा से बात करने की कोशिश की गई तो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते रहे। तो इसमें कैसे मिली शिकायत? मुझे मिली है, मैंने बताया, शिकायत मिली है, उसकी मैंने जांच भी कराई है और जांच प्रतिदिन जैसे ही मुझे प्राप्त होता है जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ पर नहर की मेड़ पर ही तालाब का बंधन हो गया है, तो इसमें कैसा क्या? अब ये तो जांच रिपोर्ट आ जाए तो फिर उसका हर कहीं इसका होगा निर्धारण, कितना जैसे से काम हुआ है, कितना मैनुअल काम हुआ है, क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जो भी दोषी होगा, अगर पंचायत दोषी होगी तो पंचायत का विरुद्ध कार्रवाई होगी, मंत्री दोषी होगा मंत्री विरुद्ध कार्रवाई होगी। वो मशीनों का जैसी मशीन का उपयोग कर रात में जैसी मशीन चला के और काम करा दिए जाते हैं और सुबह लेबर लगाकर फोटोग्राफ उसकी भेज दी जाती है, जबकि नरेगा से संबंधित समस्त कार्य मजदूरों द्वारा होने से निर्मल नीर ट्यूब भी नरेगा से स्वीकृत कराया गया था, उसको भी जैसी मशीन से कराया गया और ये तालाब जो बने हैं ब्याला तालाब, नर्सरी तालाब, इनमें भी मशीनों का उपयोग किया गया है। आपके माध्यम से इसमें कौन अनियमितता कर रहा है? मेरे माध्यम से निर्माण एजेंसी और ये GRS और अभियंत्री सब की मिली भगत रहती है, ये लोग सब आते हैं और सब देखते हैं कि ऐसा काम हो रहा है मशीनों द्वारा, फिर भी मूल्यांकन उनका होता है, पेमेंट हो रहा है। अपने स्तर पर कहाँ कहाँ शिकायत की है? मैंने अपने स्तर पर शिकायत जनपद CO और SDM साहब को की है, जिसमें तहसीलदार साहब जाँच के लिए भी आए थे, जिसमें ये सिद्ध हुआ है कि मशीन चलाई गई है समस्त कार्यों में।